फैमिली एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे अलहमदुल्ला सब अच्छे हैं और आप लोगों की दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हमने तो एडवांस में मुबारकबाद दे दिया था, फिर सोचा कि चलो भाई आज भी दे दें, क्योंकि अभी जो है रमज़ान का जो है आज 6 रमज़ान मुकम्मल हुआ है, तो बच गए 24 रमज़ान। तो आपको मतलब ऐसे मुबारकबाद जो है हम लोग सोचे कि भाई स्टार्टिंग पे तो दे दिए हैं, लेकिन आज भी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों का ये बहुत स्पेशल दिन है आज हम लोगों के लिए। और हम लोग इस दिन को बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं या घर पे लाते हैं छोटा सा केक, लेकिन इस बार हम लोगों ने इरादा किया कि रमज़ान में इतना बरकत का महीना है, अफजल महीना है, तो हम लोगों ने सोचा केक हम लोग नहीं कट करेंगे। द रीज़न इज़ कि हाँ, इफ्तार वगैरह ये वगैरह देंगे। और बस आज का दिन क्या है आप लोगों ने तो टाइटल और थंबनेल से देखकर अंदाज़ा कर ही लिया है, समझ ही गए हैं, पीछे वीडियो भी है, हाँ, स्टील फोटो भी और बैकग्राउंड में है, आपने पिक्चर्स भी देखा है स्टील। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का शादी का सालगिरह है और 19th ऑफ मार्च में मेरी इंगेजमेंट भी हुई थी 2005 में, और 2006 में जो है मेरी 19 मार्च को ही कोइंसिडेंस, वो भी जो है 19 मार्च में इंगेजमेंट और शादी भी 19 मार्च को, 5 में शादी भी इंगेजमेंट हुई थी 5 में और 6 में फिर 2006 में मेरी शादी हुई थी। तो उस दिन का जो एक्सपीरियंस होता बहुत एक फीलिंग उसका बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी जानते हैं भाई शादी का जो अमेजिंग एक फीलिंग होता है, जब हरी लड़की की लड्डू, हाँ शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है। तो आप पछताए, आप पछताए खाके तो नहीं है ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि भाई अल्लाह ने हम लोगों का जो है जोड़ा मतलब रखा था, शादी हुआ, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ होने वाला था ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त पापा बाहर थे शिप में थे और अचानक से मतलब मेरा रिश्ता आया, जब मेरी सास पसंद की थी मतलब कि मतलब मेरे हस्बैंड ही हमको ये किए थे पसंद करके, रिश्ता आया था घर पे, हाँ माशाल्लाह। तो घर पे जब आए थे फिर पापा ने लड़का को देखा कि माशाल्लाह वेल पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह वेल ग्रेजुएट है हस्बैंड मेरे, तो बीकॉम ऑनर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त जब पापा भी देखे मिले तो फैमिली बहुत अच्छा लगा, तो बस हो गया, एक रिश्ता बन गया और हम लोग मतलब एक गेट टुगेदर जो है एक हो गए, गेट टुगेदर मतलब इंगेजमेंट हो गया हम लोग का, और फिर 6 महीने जो है फिर हाँ 1 साल के बाद में, क्योंकि नंद रहती थी कराची में रहती थी, तो 2005 में वो आई, फिर 2005 में वो आई तो 6 में भी इरादा हो गया उसका आने का, उसको उस वक्त वीज़ा लग गया था, तो वो भी 6 में आ गई। तो उसी वक्त क्या हुआ, मेरी सास ने बोला कि भाई 5 में मतलब इंगेजमेंट कर लेते हैं और बेटी भी जो है फिर 6 में आएगी, उसके बाद फिर आना नहीं होगा। तो जैसे वीज़ा लगा ना, 2 बार में नंद का आना हुआ था, तो भाई 6 में आई, फिर 2 मतलब इत्तेफाक देखिए कि मंगनी भी 19 मार्च और शादी भी 19 मार्च, तो भाई दोनों 19 मार्च को हुआ और अल्लाह ने इतना दोनों संडे और अल्लाह ने दोनों मतलब बच्चे जो दिए हैं माशाल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चे दिए अल्लाह ने, जैसा सोचा था उससे ज़्यादा ही दिए। और बस अल्लाह से बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिएगा, कि हम लोगों को तो ऐसे इरादा नहीं था, हम लोग ने सोचा था कि साल हुआ? शादी को तो हम लोग का लगभग आपको मालूम होना चाहिए शादी तो कितना साल है ना, हम लोग का शादी को 2006 में जो है मतलब शादी हुई थी, अब एंगेजमेंट तो 5 में हुई थी, 6 में शादी हुई थी, 6 में शादी हुई थी हम लोगों की। तो आपका ये हम मेरा 17 ख़त्म हो जाएगा और 18 पे इंटर करेंगे, क्योंकि इफ्रा जो है वो माशाल्लाह जो है इस बार जो है वो 17 ईयर्स की होगी, माशाल्लाह इफ्रा जो है वो 16 ईयर्स की है और इकरा जो है वो 10 ईयर्स की है, तो मतलब इन लोगों का बहन में दोनों में 6 साल का गैपिंग है, और इफ्रा जो है अब 23 जून को वो 17 साल की हो जाएगी। तो चलिए भाई इस साल बोर्ड्स का एग्ज़ाम भी उसका हुआ है और हम लोग अभी शादी के इतना दिन हो गया, हम लोगों ने सोचा था इस बार की कहीं बाहर का टूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन रमज़ान का इतना मुकद्दस महीना है तो हम लोगों ने जो है अपना एक सेलिब्रेशन है उसको स्किप कर दिया है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सोचेंगे। और हस्बैंड का प्लानिंग है, इनका ये प्लानिंग है कि चलो भाई थोड़ा रमज़ान की शॉपिंग वगैरह कर लेंगे और बाहर जो है हम लोग डिनर कर लेंगे, वो आपको हम अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियोज में जरूर शेयर करेंगे। और बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत इमोशनल डे होता है हर लड़की के लिए भाई, अपने माँ बाप के घर से एक दूसरे घर में जाके सेटल होना, एक अनजान अनदेखा अनजान लड़के के साथ में पूरी लाइफ स्पेंड करना, या आप लोग भी जानते हैं एक हर एक लड़की का जो दिन होता है बहुत एक्सपीरियंस वाला होता है।
अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी फिर इमोशनल हो जाऊंगी फिर बहुत रोना होगा, आंसू निकलेगा, आंसू आंसू निकलना चालू हो जाएगा, वैसे ही निकलता है आंसू ना। तो चलिए भाई, हाँ ज्यादा निकलता है लेकिन अल्लाह इनको बचा के रखे, अल्लाह इनको हयात का बड़ा करे भाई, इनसे ही मेरा पूरा परिवार है, मेरा संसार है भाई, और बस और मेरा हमसे तो नहीं है और मेरा कोई नहीं है, मेरी अम्मी है, बहन है, हमसे तो नहीं है ना, आपसे ही है मेरा सब कुछ, सब खुशी ना भाई, खुशी सब कुछ मेरा है, मेरा मतलब सब कुछ आपसे है, मेरा सिंगार मेरा सब कुछ आपसे है। चलो खैर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए भाई हम आपको कुछ शेयर कर रहे हैं, अगर पसंद आएगा ना तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कुछ जो है वीडियोज़ आपसे जो है हाईलाइट्स पे जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए भाई हम जितना बात करेंगे तो वीडियोस मेरा बहुत बड़ा होगा, तो आप खुद ही देख लीजिए और बोलिएगा कि इंशाल्लाह मेरे जो शादी का जो वो जो फीलिंग्स था वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं ना, और पुराने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
आज तो 6 कंप्लीट हो गया है, अब 21 को इंशाल्लाह 21 से शुरू होगा, 21 23 25 27 29 यहाँ तक कि इवन चांद रात को जो है असल जो है होता है हम लोगों को जो है पूरी जो इबादत करते हैं चांद रात स्पेशल इबादत होता है, उस रात को अल्लाह ताला जो है जो बख्शिश जो है बंदा से जो बंदा जो एक्सपेक्ट करता है उसको गिफ्ट मिलता है, मतलब गिफ्ट देने वाला रात मिल मतलब उस दिन उस रोज़ औरतें जो होती है ना खाना बनाने बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, लेकिन स्पेशली चांद रात को इबादत करें, जो नेकी आपने पूरा एक महीना किया ना उसको आप जो है कलेक्शन कर ले, हो सकता है किसके नसीब में क्या मिल जाए, है ना। तो चलिए भाई, हो सकता है मेरे नसीब में भी अल्लाह ने कुछ बेहतर या बेहतरीन लिखा होगा। तो चलिए भाई, यहीं पर अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी ना, और प्लीज़ ये वीडियोस पसंद आएगा ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, शबे कदर की जो दुआ करेंगे ना उसमें भूलिएगा मत, हम लोगों को दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा, मेरे बच्चे को भी शेयर कीजिएगा, चैनल शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा, दोस्त शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। तो चलिए भाई, ख्याल रखिए, मिलती हूँ इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे फिर वीडियोज़ के साथ में, ब्लॉग के साथ में। तो बस यही बोलूँगी कि अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर एंड जज़ाकअल्लाह।